अड्डे के दिन तो किसी के साथ ही मत करो ना, मतलब मम्मी भी कहती है आज मत मारा आज कब तक गोवा में जुआ खेलता रहेगा, थोड़ा ले जा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हाय गाइस, मैं हूँ राजेश। और दोस्तों मैं हूँ शुभम। कितना अच्छा हफ्ता बीता पिछला भाई, जिंदा मुर्दा सबको वैक्सीन लग गई भाई साहब, 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई एक दिन में। 2.5 करोड़ बताओ भाई, डे भी तो इतना खास था। मैं यार ऐसा दिन भगवान रोज दे यार, रोज दे, रोज हफ्ते भर में निपट जाए हम तो, और रोज दे और ट्विटर पे ना दे, मतलब वो आदमी की बेइज्जती हो रही है। ये ऐसी कोई तरीका होता है बर्थडे विश करने का? मना रहे हैं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मतलब ये तो भाई है यार, मतलब यार बर्थडे स्पेशल होता है यार वो दिन। बर्थडे के दिन तो किसी के साथ ही मत करो ना, मतलब मम्मी भी कहती है आज मत मारो आज, मतलब बर्थडे तो छोड़ दिया करो यार, साल भर करो यार, करो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने फ्री कर रखा है तो। कौन यार गाइस, ये तो बिल्कुल अच्छा लगा, हमने तो फोन लगाया उनको, प्रधानमंत्री जी रोइए मत, वो हैशटैग पढ़ के कोई बात नहीं, वो कुछ है बच्चे, इंटरनेट सस्ता दे दिया है आपने उनको। सर हेटर्स है, हेटर्स वो हेटर्स हैं सर, हेटर्स गोना हेट, हेटर्स गोना हेट। हाँ, उन्होंने फिर इसी के बाद भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाया, चल दिए वो, चल दिए कह रहे फकीर आदमी जी मैंने अपने लेके चल दूंगा। सोचना हाँ, बंदा जॉब अप करता है और जब उसे फाइनली कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, क्या खुशी होती है उसके चेहरे पे। वो दे उसकी तरह बॉर्डर वाले द्वारका प्रसाद की तरह, मैं जा रहा हूँ, यही सीन रहा होगा मोदी जी का, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने भाई साहब अपना नया एक प्लेन ले लिया है फाइनली, फाइनली उस प्लेन कपड़ा मारा गया का मौका मिला है फाइनली भाई, वो वहाँ पे पहुंच भी चुके हैं बाय द टाइम ये। और मोदी जी ने एक फ्लाइट से फोटो भी डाली कि लंबी फ्लाइट है, काम कर रहे हैं फ्लाइट और में। मैं उसे रिंग लाइट जो लेके गए ना नीचे, उन्होंने एक लगा रखी है जो लाइट पड़ रही है नीचे से, वो मेरी उनकी इंस्टाग्राम के प्रति कमिटमेंट अच्छी लगती है। मुझे एस्थेटिक चाहिए मामला। हाँ, मामला मेरा एस्थेटिक होना चाहिए, एस्थेटिक के प्रधानमंत्री है वो। और ऐसे नॉर्मल आदमी पेन कैसे पकड़ता है? भाई ने पेन भी ऐसे पकड़ा हुआ है, तभी तो आता है, ये पेन पकड़ के साइन कर दिया। ये वैसे वाला है जब इंसान लिखते लिखते सोचने की मुद्रा में जाता है ना, हाँ। तो पैन अपने आप ऐसा हो जाता है। ये सीधा ऐसा वाला है कि हाँ भाई थोड़ा इधर देख, हाँ कैंडिडी लग रही है इधर, और चलो फेस पे आ रहा है थोड़ा नीचे कर लो, अब खींच दे, अब खींच दे चल। ये ऐसे वाला लिखाई विखाई तो कुछ नहीं चल रही थी, लेकिन दाढ़ी कट गई है भाई, बाय द वे भाई यार एकदम दूर जा रहे थे, ग्रूमिंग ग्रूमिंग हुई है उधर यार, जिंदगी ना मिले की दोबारा करना यार। पहले कैसे होता होगा ना कि प्रधानमंत्री देश का विदेश जा रहा है, तो क्या है कि सर ये डिफेंस सेक्रेटरी साथ जा रहे हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी, अभी क्या सर ये कॉस्ट्यूम देखेंगे आपका, ये आपका हेयर देखेंगे, ये ग्रूमिंग देखेंगे आपकी, ये कैमरा टीम से आलिम हकीम हो सकता साथ जाता हो, दिखाते ना हो। और दोस्तों इस हफ्ते भी हमारी सोच को सरकार का सर्टिफिकेट मिला, बीजेपी आईटी सेल का सर्टिफिकेट मिला, जो हम मान के चलते हैं कि अखंड भारत जो अखंड उत्तर प्रदेश है सब कुछ आता है क्या, यूएसए कनाडा वगैरह सब, हम तो मानते हैं ना वसुदेव कुटुम्बकम, और वसुदेव भारत ही है हमारे हिसाब से, सब कुछ है यार, तुमने बना दिया होगा मैप, हमारे लिए तो सब भारत है, सरहदे बनाने वाले सरहदे बना गए और हमारे लिए सब भारत, हम और बीजेपी आईटी सेल इसमें नहीं मानते, हमारे लिए सब भारत है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे वीडियो डाला, एले की फुटेज डाल दी उसके अंदर, सही है और क्या, एले एले आज एले हो गया, कल तक क्या था लक्ष्मी नगर था, अब मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे, क्या पता ले आए एले, ले कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा जहाज लेके गए, अगर उन्हें लगे एले जी आ जाइए, एले जी आ जाइए, बहुत लगेज है मेरे पास, आ जाइए, कब तक गोवा में जुआ खेलता रहेगा, थोड़ा एले ले जा, तो हम तो मानते हैं ये ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल यार, ये तो ये हमारी सोच को वो है कि वैलिडेशन मिल रही है, इनको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, चारा कमेंट कर जाते हैं भाई ऐसा मजाक मत करो, कल कोई बड़ी बात नहीं है, रिटर्न जर्नी पे मोदी डाल दें कि ऑन माय 26 आवर लॉन्ग जर्नी वाचिंग दीस टू बॉयज, छाती पे फोन रख के ऐसे देख रहे हैं, मोदी देखते ही होंगे भाई, देखते हैं कैसे अमल कर रहे हैं हमारी बातों पर, ऐसे थोड़ी ऐसे हम इतनी जा रहे, हमने बोला था कि दाढ़ी थोड़ी सी शेवी लग रही है, थोड़ा उसको ट्रिम करा लो, करा ले, हम कहते हैं कि भाई देश के लिए ये चीज अच्छी है, कर रहे कर रहे। और इस हफ्ते फिर से नीरज चोपड़ा अच्छी बातों के लिए ट्रेंडिंग रहे, उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा दी क्रेड की नई एड में, अब तो लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार की बायोपिक में नीरज चोपड़ा को लीड करना चाहिए, वो सबका जनरल स्टेटमेंट है, ये तो आया है कि दिस वन मिनट इज बेटर देन वरुण धवन एंटायर करियर, एक तो कहीं कोई आदमी एक्टिंग दिखाए पहले वरुण धवन फेला जाता है, टारगेट वरुण धवन, मतलब वो आदमी बेचारा बैठा हो मेहनत कर रहा हो राम का भजन जप रहा हो, किसी और ने एक अच्छा कुछ किया, मैं कुछ रील बना दूं, दिस इज बेटर देन वरुण धवन एंटायर करियर, उस वो वाली एक मीम चलती ना कि मुझे क्यों पेला, तो वरुण धवन लिटरली वही है कि कहीं कोई एक्टिंग करके दिखाए, वरुण धवन अर्जुन कपूर हाँ दो है, हमें क्यों पेला। और इस हफ्ते हमने देखा कोटा फैक्ट्री सीजन 2, एग्जैक्टली, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द न्यू सीजन इज इट्स अ मास्टरपीस, एग्जैक्टली, 7-8 दोस्त हैं उसमें अपने, सब 100-100 रुपए ही भेजेंगे, अब रख को बढ़िया डिनर का जुगाड़ हो जाएगा हम दोनों के, ठीक है।
दोस्तों शो के लीड रोल में है टीचर नंबर वन, इंडिया के सुपर टीचर, और हमसे गलती हो गई, हमने उनका नाम ले लिया टीचर्स डे वीडियो में, जिनका हम नाम लेना भूल गए, कमेंटों में जिनके नाम की बाढ़ आ गई और जिसकी वजह से तुमने हमारी बाढ़ मार दी बेस्ट टीचर एवर जीतू भैया। हाँ, यहाँ पे वो बने हैं एक टीचर जो पहले प्रोडिजी में पढ़ाते थे सीजन वन के अंदर, अब उन्होंने प्रोडिजी छोड़ दिया और अपना खुद का खोलना चाह रहे हैं वो इंस्टीट्यूट। फिजिक्स टीचर है वो, फिजिक्स के टीचर, हाँ बेस्ट एवर फिजिक्स टीचर है वो। और उनके स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन है, वैभव, वैभव का कैरेक्टर प्ले किया है मयूर मोरे ने, ये पिछले साल उठ के आए थे अपने घर से, 11वीं इन्होंने निकाल लिया और अब ये प्रोडिजी से माहेश्वरी में आ गए हैं, जो माहेश्वरी वहाँ का कोटा का नंबर वन इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ पढ़ते हैं, दोस्त इनके अभी भी प्रोडिजी में पढ़ते हैं। अब वैभव के दोस्त कौन कौन है, तो सबसे पहले हैं बाल मुकुंद मीना जो प्ले किया है रंजन राज ने, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। रंजन ने खुद बोला है कि इस शो के बाद उसे ऐसे कैरेक्टर आते हैं कि सर एक और चोमुअर गरीब कैरेक्टर है, वो बिल्कुल मीना जैसा ही करना है आपको। अच्छे एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं हम उनके लिए, स्वीट है, प्यारे हैं, मासूम है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बस तो उज्ज्वला का सिलेंडर लेते हो, सिलेंडर लेते हो सब चीजें भाई। वो अभी तो ये वाला सीन तो उन्होंने दिखाया नहीं कि रंजन जब छुट्टियों में घर जाएगा तो 5 किलो वाले थैले में खाना लेके आएगा वो, जिसपे फोटो छपी होगी, पहले उसको मिल नहीं पाता था, बांग्लादेश चला जाता था वो, क्योंकि जो अब्बा जान कहते थे उन्हें मिलता था, ओटीपी देकर मिलता था, रंजन ले नहीं पाता था। तीसरे दोस्त उनके है उदय जी जो कि प्ले कर रहे हैं आलम, वो इकोनॉमी में एकदम ही ऑपोजिट साइड पे है इनके, वो है कि उनके पापा के पास पापा सब कुछ है, पापा को बोल के ये करा दूंगा वो करा दूंगा, और जिन्हें पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं, चिल चल रहा है उनका। जो सोचना अगर आप कोचिंग करने गए हो किसी शहर में, वहाँ आपके पास अपना व्हीकल है तो आपके पापा का डिसेंट बैकग्राउंड तो है ही, मतलब जिसके पास ऐसा दोस्त है उसके अच्छे कर्म है भाई, ऐसे दोस्त है कभी दोस्ती तोड़ो ही मत, उनका चिल चल रहा है, गर्लफ्रेंड भी है उनके पास, एहसास प्ले कर रही है शिवांगी, वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही है और कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं रोज देखता हूँ ये नीट वाले बच्चे 3-4 तो मुझे लिख देते हैं, उनको लगता है मैं होम मिनिस्टर, उसमें सेक्रेटरी हूँ मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, मैं इसे उम्मीद है ना कि हम मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा हम उठाएंगे, हम भी मुद्दा बकला उठाते हैं ईमानदारी से बात करें तो हमें कोई समाज सेवी ना समझा जाए, अन्ना हजारे नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम अरविंद केजरीवाल ही है, फुल नौटंकी कर देंगे। और इनके एक और जो दोस्त नहीं है वो वैभव की गर्लफ्रेंड है वर्तिका, वो प्ले किया है रेवती ने, और वो भी ऐसे अच्छी स्टूडियस टाइप की स्टूडेंट है, और वैभव इज लकी टू हैव हर, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत अच्छा सेक्स रेशियो दिखाया वैसे दोस्तों इन्होंने, IIT की तैयारी में इतनी लड़कियां मतलब अंदर पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, इन्हें बीच में इम्तियाज अली की पिक्चर देख लेती होंगी कि नहीं दौड़ना उड़ना है मुझे, मेरे को IIT नहीं जाना, मैं जीजस एंड मैरी जाऊंगी, मुझे आर्ट्स कॉलेज जाना, मुझे नहीं जाना। ये उर्वी भी एक और है इसके अंदर, मीनल बनी है, वो क्रश है अपने मीना का, मीना का मीना, मीनल भाई, हाँ, क्या मीना बनी है भाई, वो भी स्टूडियस है, मतलब IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एकदम ऐसा नहीं है कि पढ़ना जिसको नहीं है, अदर देन उदय सब स्टूडियस हैं। और इस बार जीतू भैया को एक सेक्रेटरी भी मिले, हरीश पेडिनिटी, वो जीतू भैया के सेक्रेटरी बने, जो जीतू भैया अपना नया इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उसके वो CEO है। तू यही देख रहे ना कैसे तनख्वाह उसके 8,000 रुपए महीना ही है, लेकिन CEO बन फेसबुक पे तो लिख सकते हैं CEO@Amers जो उनका कोचिंग सहायक। दूसरे जो टीचर हैं इसके ऑपोजिट साइड पे, अब महेश्वरी के टीचर्स, टीचर क्या महेश्वरी के जो मालिक है, मालिक है, हाँ। बिल्कुल नारायण शंकर लेवल की बातचीत है उनकी, समीर सक्सेना वही महेश्वरी सर है, वो अगर आप टॉप मार दो दोस्तों BMW गाड़ी देते हैं आपको, सोचो ये हम नहीं कह रहे कल को टॉप मार के हमारे पास आ जाओ, हाँ हाँ किसी ने सोच UPSC निकाल दी यहाँ से पढ़ के, गाड़ी मांग रहे हैं हम, ऐसा हम सिर्फ ज्ञान फ्री में दे रहे हैं, माहेश्वरी सर पैसे भी तो लेते हैं भाई, लेते हैं बहुत महंगे क्लास, उनका कोई ऑल इंडिया रैंक वन आता है तो 50 करोड़ की उनकी वो बढ़ जाती है सेल, बढ़ जाती है तो कितने पैसे चार्ज करते होंगे, सही बात है, तो हम ज्ञान भी फ्री में दे रहे हैं इधर तुम्हें, और अगर तुमने टॉप मार भी दिया तो शाबाशी के अलावा हमसे कुछ नहीं, हमसे हम बस पास भी नहीं बनवा के देंगे कहीं से कहीं तक हमारा। यही सारे कैरेक्टर है मेन, तो इस बार इसमें वो भी है वैसे सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाले रोशेश राजेश उनका नाम है, वो बने हैं कौन से सर बने हैं रस्तोगी सर हाँ, राजेश उनका रियल नेम है, चलो अच्छा लगा किसी का तो है, हाँ तो भाई उसी उम्र में रखे जाते थे राजेश नाम, केजरीवाल का बैचमेट हूँ और मैं अपने नाम की कहानी सुना दूं, ऐसा नहीं मेरे घर वालों को ऐसा शौक था राजेश खन्ना के फैन थे, वैसा था पैदा हुआ हूँ, दाई जो होती है वो जन्मपत्री बनवा के लाती है, वो राजेश लिखवा के ले आई, चलो आपका बेटा राजेश उसकी जन्मपत्री, और मेरे घर वालों भी आलस में ठीक है बन गया, अब कौन चेंज कराने जाएगा, जी ले गाइस नाम के साथ जी रहे गाइस जी तो नहीं पा रहे या जी रहे फिर मचा नहीं जी पा रहे हाँ इस नाम के साथ। प्लॉट वही है भाई कोटा वाला, हाँ कुछ जहाँ कहानी रुकी थी दोस्तों उसी से आगे बढ़ी है,
सीजन वन में इन सब ने 11th निकाल लिया था और वैभव को माहेश्वरी क्लासेस जाना था तो फाइनली वहाँ पहुँच जाता है। कहानी वहाँ से शुरू हो रही है। अब वो वहाँ के A3 बैच में आया है जो ऐसा थोड़ा लेट कमर्स का बैच है। सी सेक्शन है। सी सेक्शन है। ए वाले इंग्लिश मीडियम, बी वाले नॉर्मल, सी सेक्शन। सी सेक्शन से बैक बेंचर्स कर समझ लो। एक तो ये वाले टीचर भाई मतलब वर्स्ट टीचर दिखाना है, यही दिखा दो कि बच्चों को डिमोटिवेट कर रहा है, तुम तो ऑलरेडी लेट हो, ये सब तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, ये बगल वाला भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। सोचो आप सोच के आए थे कि मम्मी एक पराठा एक्स्ट्रा रखना, साथ वाले को खिलाऊंगा, सर ने बता दिया तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, पेट भर गया लेकिन खुद ही खाना पड़ रहा है, खुद ही खाना पड़ रहा है, इसको खिलाऊंगा साला फिट हो जाएगा, कल का एग्जाम में अच्छा कर जाएगा। तो वो उस तरह की भावनाएं अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। वहीं जीतू भैया जो है उन्होंने अब प्रोडिजी छोड़ दिया है, वो खुद का इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ये कोटा फैक्ट्री के अंदर छोटा सा पिचर्स भी है उनका कि कब तक वही करता रहूंगा यार दूसरे की नौकरी, अपना खुद का भी मैं शुरू करता हूँ। वो अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों का तो वही है कि पढ़ेंगे तो जीतू भैया ऐसे ही पढ़ेंगे, समझ आना बंद हो जाता है। बच्चों को दिक्कत होने लगती है, जीतू भैया आसपास नहीं होते तो। ये एक्चुअली 3-4 महीने की जर्नी है कि अभी ये 12वीं क्लास में आए हैं, वहां से शुरू होती है टाइमलाइन और खत्म वहां पे होती है। आई थिंक जुलाई अगस्त में आता है वो रिजल्ट जेई का। तो जब रिजल्ट डे जो है जेई का वहाँ पे ये खत्म होती है। तो ये बड़े एक्साइटेड हैं कि इनके सीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं, कैसे करेंगे, खुद भी अटेम्प्ट करते हैं। और हर एपिसोड में एक एक अलग चीज दिखाई है। जैसे एक एपिसोड में मीना के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने मैस्टरबेशन को दिखाया कि कैसे जब आप इस एज में हो गए आपको ये करने का कैसे परेशान करेगी, और बाकी चीजों में फंस के बच्चा कैसे इसमें घुसता है और कैसे इस चीज से परेशान होता है। काफी चीजों को नॉर्मलाइज किया है जो हम लोग जिसको बचपन में बड़ी समस्या समझते हैं। 5 ऐसी अलग अलग चीजें दिखाई है और पैरेलल ट्रैक यही चल रहे हैं कि इनकी प्रिपरेशन चल रही है और जीतू भैया को पिक्चर्स चल रहा है, उनको अपना इंस्टीट्यूट खोल के दिखाना है। तो वो उसकी फंडिंग वगैरह करने में लगे हुए हैं। एक सरप्राइज भी है, एक और बंदा है पिक्चर्स का, वो शो देख लेना आप, तभी आपको पता चलेगा, स्पॉइलर नहीं दे रहे हो। खुल के बातें करते हैं जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई। एक तो राइटिंग इस शो की, मतलब इतनी सीरियस बातें करते करते भी इतने जोक्स हैं। उदय हो गया, मीना हो गया, वो सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी इतनी क्या बात कर जाते हैं, बहुत हंसी आती है उसके ऊपर। और हर कैरेक्टर को एक परफेक्ट डेप्थ मिली है उसको, हर एक मतलब उसको एक क्वर्क है उसका अपना, क्वर्क है हर उसका। और सबसे अच्छी बात, ऐसा शो हमारे देश में बना जिसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जैसे मुन्ना भाई और ये सब भी बने शिक्षा व्यवस्था पे, लेकिन ये बहुत ही हमारी बेसिक लेवल की जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है ना, उसको समझा रहा है बहुत अच्छे सबसे। लेकिन जो मतलब इस बार माहेश्वरी सर का कैरेक्टर जो स्पेशली निकल के आया भाई, अब उसमें ऐसी चीज है उनको दिखाना है कि लार्जर देन लाइफ थोड़े वो हैं। उनके पीछे से शॉट लगा है भाई, लग रहा है बाल ठाकरे संबोधित कर रहा है पब्लिक को, अपनी ऑरा जैसे दिखाया है, वो बहुत तगड़ा दिखाया है, बहुत मेरे को मस्त लगी वो चीज। ऐसे ऐसे मोमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे जो उसको देखकर आपको फील आ जाएगा, और वो मतलब वो डायरेक्शन से ही वहां पर आया। और जिससे तुम मुझे सीरियस रिव्यूअर समझोगे, ऐसे भी मैं लाइन कहना चाहूंगा, एवरी फ्रेम इज अ विजुअल रिट्रीट। मैग्नम ओपस होता है दोस्तों आपकी बेस्ट क्रिएशन, ये मेरे को लगता है बना दिया है वैसा, और लग रहा है कि किसी आदमी ने जिसने 250-300 बढ़िया बढ़िया पिक्चरें देखी है उसने बनाया है, और सुकून से बनाया, आराम से बनाया, कहीं कोई कमी नहीं लगी। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा, हर एपिसोड के एंड में गाना बजता है और बढ़िया फील देता है। पूरे गाने के चक्कर में एंड क्रेडिट्स पड़ जाता हूँ मैं तो पूरे हर बारी। 5वें एपिसोड में मैंने पढ़ा बार बार कि किसने लिखा, किसने बनाया। टॉकिंग ऑफ द थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द शो, वेल ऑनेस्टली देर आर नन। और हम रिव्यूअर के बन के बैठेंगे तो भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे भाई। हमें लिटरली इसमें मजा आया, हर एक चीज सही है अपनी जगह पे, कुछ कमी नहीं है। हमें हंसी आई, हमने चीजों से रिलेट किया, हम इमोशनल भी हुए। तो अब इतना एक शो से मिल रहा है तो इसमें क्या ही कमी हो गया। और इसीलिए आज हमें रेटिंग देना भी याद है इसको, ये फुल पेड रिव्यू, खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं, खत्म, बेस्ट शो, फिनिश, मजा आया। एक वीडियो निकल के आई जो बड़ी क्यूट स्टूपिडिटी है एक तरीके की। वो प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है तो उनकी पार्टी के एक लीडर हैं और वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो वीडियो में ये कहते पाए गए, पेट किसका कम है भैया ये लाइन। क्या होता है ना कि आदमी का फोटो नहीं आता पेट का, गरीब आदमी को खाना नहीं और कई आदमी का पेट निकला हुआ है। कितनी चीजों का वो ख्याल रख रहे हैं, मतलब वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो कि पेट अंदर हेल्दी हो जाओ। फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो बहुत बड़े। फिर वो जो लोग सिनेमा पढ़ना चाहते हैं उन्हें समझा भी रहे हैं कि कैमरे को कैसे ना ढका जाए, कैसे ना ढका जाए। वो भी फिल्म मेकिंग में भी ओवर द शोल्डर होता है ना, ओवर द स्टमक तो कुछ नहीं होता कि किसी के भाई इसके पेट का सजेशन ले ले जा। और ये मुझे मतलब बहुत इसमें ऐसा भी लगा, फेट शेमिंग भी वो कहीं करते नहीं लगे। ही वाज जस्ट बीइंग एस्थेटिक का मंत्री, वो यहाँ पे एस्थेटिक के मंत्री बन रहे थे दोस्तों सीधे सीधे, कि वीडियो का एस्थेटिक अच्छा होना चाहिए, मैसेज अच्छा है। ऐसा नहीं दोस्तों सिर्फ स्टूपिड न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज भी आई है, क्रिकेट के फील्ड से आई है MCC, ये भी तुम्हारी जीके अपडेट होगी।
मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के सारे रूल्स बनाता है, और ये MCG से अलग है, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब वहाँ पे है लंदन में, ये सारे रूल्स बनाता है क्रिकेट के। इन्होंने अब एक रूल बनाया कि बैट्समैन नहीं कहलाएगा, बैटर कहलाएगा, जैसे बॉलर होते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं होता। जेंडर न्यूट्रल टर्म लगाएगी, नहीं अच्छा लगता ना कि बैट्समैन स्मृति मंदाना वॉकिंग इन, तो उन्होंने इसको अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया। नाइस, काफी अच्छा। और हमने इसीलिए हमेशा से दोस्तों रिव्यूअर रखा है इसको, कभी भी हमने रिव्यू मैन नहीं रखा, तो हमें अच्छा लग रहा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसे हमारी तरह जेंडर न्यूट्रल कदम उठा रही है। जैसे कमेंटेटर को हमेशा वो कमेंट्री मैन नहीं कहते कभी भी, कमेंटेटर ही था, फुटबॉलर फुटबॉलर ही था। और एक छोटी सी दोस्तों भूल सुधार भी, पिछली वीडियो में हमने वो जनरल डायर और जनरल ओ डायर में हम कंफ्यूज हो गए, हमने गलत ले दिया। तो बच्चे भी अपने पूरी किताब पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री वो नेहरू वेहरू की किताब पढ़ते हैं। ऐसा था, ये जानबूझ के किया गया। अच्छा सच बोल रहा है तू, मैं सोचा इनको ना बताओ, तो बता दे इनको भी तो लगे यार। सच बता दे कि खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए, कब सरप्राइज टेस्ट हो जाए। ये एक्चुअली एक सरप्राइज टेस्ट था, हमने जानबूझ के गलत नाम लिया कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है। तो जितने बच्चों ने बताया, वेरी गुड, तुम सब हमारी तरफ से खरीदी एक नाशपाती खा लेना, वेरी गुड। मैसेकर में दोनों शामिल थे, ओडवायर जो था वो पंजाब का गवर्नर था, तो ओडवायर को जाके उधम सिंह ने वहां पे मारा था। बहुत अच्छा, तुम्हारी जीके टेस्ट हो गई सरप्राइज टेस्ट में, सब बच्चे पास, वेरी गुड। बाकी कमेंट ऑफ द वीक की बात करें इस हफ्ते, अब तुम बोलोगे फिर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। इस बार हम यूट्यूब कमेंट नहीं, एक रियल लाइफ कमेंट लेने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक और मंत्री जी छाती पे रख के ऐसे हमारा वीडियो देखते हैं, इससे साबित होता है। हाँ, उन्होंने भी हमें वैलिडेशन दी है, जो मुद्दा कुछ समय पहले यहाँ उठाया गया था कि कैसे शराबी कौम देश की बैकबोन है, लीस्ट कंप्लेनिंग कौम है, कभी कंप्लेन नहीं करती। इसी तरीके का बयान अभी मंत्री जी का भी सामने आया है। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खरीद रहे थे पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा कि महंगा हो गया है, कि मंत्री जी भी हमसे कहीं ना कहीं एग्री करते हैं, वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। ये हमें बहुत अच्छा लगा, जस्ट वी वॉन्टेड टू शो यू की कभी तुम ये मत मानना कि तुम 1.25 लाख 2 लाख लोग ही हो, तुम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कमेंट है और कमेंट करते हैं फर्जी आईडी से। या कुछ, अब जैसे ये भी तो हो सकता है कि वो मंत्री जी की बातों से ये लगता है कि वो अनपढ़ है, तो हो सकता है उनको लिखना नहीं आता हो, और YouTube पे अभी तक वॉइस नोट आया नहीं है। तो ऐसी भी बहुत हमारी जनता है, और हमें सबको साथ आगे लेके चलना है दोस्तों, कोई करे ना करे। हाँ। हमारा तो मोटिव वही है भाई, सबका साथ सबका विकास। और अब वीडियो आ गए अंत की ओर, और हम फकीर आदमी फिर अपनी झोली खोलनी चाहेंगे, अब वही मांगेंगे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आप करें, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, मजा आया भाई, पहली बार प्रॉप के नाम पे ही सही AI।